हेलो फ्रेंड्स, अंजलिस क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उपास के डोसे, फरियाली डोसे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो आइए देखते हैं हमें किस किस सामग्री की जरूरत होगी। घी, देसी घी, भगर, मोरधन और इसको वरी के चावल भी बोलते हैं। एक कच्चा आलू हमने कद्दूकस कर लिया है, सेंधा नमक, दही, हरी मिर्च हमने और अदरक कद्दूकस कर लिया है। अब ये मोरधन जो है हमारा वरी के चावल, इसको हम मिक्सर में निकाल लेंगे। एक बोल लिया है हमने ये, तो हम इसके साथ में एक मीडियम साइज का आलू कद्दूकस कर लेंगे, वो भी इसमें ही डालेंगे। अदरक कद्दूकस किया हुआ आधा चम्मच लेंगे, एक हरी मिर्च लेंगे, दही हम इसमें अभी एक चम्मच लेंगे, पीसने के बाद हम थोड़ा और दही बाद में ऐड करेंगे। इसको पहले मिक्सर में, तो देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट हो गया है तैयार। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब हम बाकी का भी बचा हुआ भी पेस्ट हम मिक्सर में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। ये बैटर हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब तो देखिए हमने तवा रख दिया था, अब ये गर्म हो चुका है और अब हम इसमें हमारा डोसा बनाएंगे। देखिए कितना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है ये। अब हम इस पे थोड़ा सा घी डाल देंगे। इसको मीडियम आंच पे थोड़ी देर, धीरे धीरे क्रिस्पी हो गया होगा ये, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। घी को हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। घी हमने अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसको स्लो पे थोड़ी देर के लिए होने देंगे। अब देखिए ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छा हो गया है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। थोड़ा सा घी दूसरी तरफ लगाएंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा ये दूसरा डोसा भी तैयार है, एक हमने पहले ही बना के रख लिया है इधर। इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे हम। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसमें हम ये आलू की सब्जी रखेंगे और अगर ये आलू की सब्जी और चटनी अगर आपको देखनी हो तो मेरे पिछले वीडियो आप देखिए, मैंने लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। हम हमारा दूसरा डोसा भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में डोसे। तो देखिए हमारे फरियाली डोसे बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? आप इसे जरूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।